फ्रेंड, हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, क्या आप नहीं बनना चाहते? बिजनेस में, कोई पोजीशन में, फिर पूरा लाइफ, हर कोई फ्रेंड सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। फिर क्या फर्क होता है एक लूजर्स में एक विनर में? फ्रेंड, रेस तो सभी लगाते हैं, लेकिन हर कोई विनर नहीं बन जाते। लूजर्स बनने के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, बस बैठा रहो, हो गए ना लूजर्स। लेकिन विनर बनने के लिए आपको बहुत सारे मेहनत करने का। लेकिन फ्रेंड बात यही आते, क्या मेहनत करने से हर कोई विनर बन सकते? वो भी तो नहीं होते, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो सबका है। तो सिर्फ मेहनत करने से अगर सक्सेस मिल जाते तो हर कोई आग बन करके करते रहते। तो फ्रेंड फिर कैसे मिले सक्सेस? आप कोई भी पेशा में अगर सक्सेस लाना चाहते हैं, आपका पोजीशन के लिए, आपका बिजनेस के लिए, फिर आपका होल लाइफ का, तो कैसे होगा? फ्रेंड जिंदगी हर लूजर्स को एक मौका तो देते ही है विनर बनने के लिए। अगर वो मौका आप पकड़ सकते तो बन गए ना विनर, और अगर नहीं पकड़ सकते तो बैठा रहो लूजर बन के। लेकिन फ्रेंड कुछ शॉर्टकट भी है, कोई तरीका भी है जो आपको लूजर से विनर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। मैं कोई पेशा का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको होल जिंदगी का बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रेंड आप एक लूजर का पास चला जाओ, उसका पास बहुत सारे बजाय होगा जिसमें वो लूजर बन गया। एक ही तरह आप कोई विनर के साथ चला जाओ, सिर्फ एक ही बजाय होगा विनर बनने का, और विनर बन गया। तो फ्रेंड आपको भी कुछ शॉर्टकट बताने वाला हो जिससे आप भी बहुत ही आसानी से, आप कोई भी पोजिशन में हो, आपका पोजीशन से, आपका लाइफ में, आपका बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। दिमाग में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो जरा समझना पड़ेगा। पहले जो टिप्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो है आपका बॉडी एंड माइंड। अगर आपका बॉडी ठीक नहीं रहा तो आपका माइंड भी बराबर काम नहीं करेगा, और अगर आपका माइंड बराबर नहीं चल रहा है, सक्सेस तो दूर का बात है, अभी कोई भी काम भी बराबर नहीं कर पाओगे। तो पहले तो आपको बॉडी फिट करना पड़ेगा, कैसे वो मैं डिटेल्स में अभी नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद ही समझ जाना। डिटेल्स में बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो पहले आपको बॉडी ठीक कर लेना, फिर माइंड शांत कर लेना। हाँ, दूसरा नंबर पे जो करना पड़ेगा आपको माइंड को पूरा शांत करना पड़ेगा। जो कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है, आपका अगर माइंड शांत नहीं रहा है तो कोई भी डिसीजन आप सही तरह नहीं ले पाओगे। तो पहले तो आपको माइंड को शांत कर लेना, फिर आते फ्रेंड चूज करने का, आप कौन, आप कैसे सक्सेस बनना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस में, कोई भी पोजीशन में। अब पहले तो सोच करना बनना क्या चाहते हैं। दोस्त को देख के जो कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी पड़ोसी वालों, कोई भी चीज में सक्सेस बन गया है, उसको देख से कोई भी डिसाइड नहीं करना, क्योंकि हो सकते उसमें जो खुफिया है आप में वो नहीं, हो सकते उससे कई गुना बेटर आपका अंदर कोई खुफिया है, आप ढूंढ ही नहीं पा रहे। तो एक बात फ्रेंड मैं आपको ये सोच करने का आसान तरीका भी सिखा रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसमें अगर देखने जाओगे तो ऐसे हमेशा 10% भी नहीं मिलते जो आदमी को जो अच्छा लगे वो कर पाते, ऐसे नहीं होता है। आप जो अच्छा कर सकते पहले तो आप देखिए आपका अंदर खुफिया कौन सा है, जो खुफिया है आप जो अच्छा कर सकते उसके बारे में आपको दिल दिमाग लगा के कर सकते, जो आपको अच्छा लगते वही सोच कीजिए। पहले तो मैं यही रिकमेंड करना चाहता हूँ आपको। उसके बाद में जो तरीका आते फ्रेंड, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसका बुराई के बारे में, उसका अच्छाई के बारे में, ए टू जेड आप जो करना चाहते हो उसका पोजीशन के बारे में, उसका बेनिफिट के बारे में, उसका लॉस के बारे में पूरा के पूरा सोचना पड़ेगा। सोचने का बाद जो डिसाइड आपको आएगा, आप अगर करने का लायक है भी आप करना चाहते तो बिल्कुल चालू कर सकते। लेकिन उसके बाद में और एक धाप आते फ्रेंड जो आपको सीखना पड़ेगा। अब कुछ भी करना चाहते पहले तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड अभी सीखने का भी दो तरीका है, एक तो आप ब्रॉड माइंड का हो, फिर लोअर माइंड का हो। ब्रॉड माइंड का फ्रेंड यही होते जो आप जो चीज सीखना चाहते उसका पास में जो भी चीज आते वो आप सीख लेते तुरंत। और फ्रेंड लोअर माइंड जो होता है वो ये होता है जो आप कोई भी चीज में फोकस कर लेते,
जो चीज आप करना चाहते सिर्फ वही चीज में फोकस करते, दूसरा आसपास में जो भी चीज है उस आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो फ्रेंड फोकस करने से लोअर माइंड में आपको क्या होगा, आप अगर कोई भी चीज में फोकस करोगे तो वो जल्दी से जल्दी आप सक्सेस मतलब उसमें आप सक्सेसफुल बन पाओगे। लेकिन अगर ब्रॉड माइंड जो है वो अगर आप जो भी करना चाहते वो हो सके थोड़ा देर में हो, लेकिन आसपास में जो भी सीख जाते आप तो आपको आने वाला दिन में बहुत ही हेल्प करते। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप अगर लोअर माइंड का उसमें एक बार फोकस करें तो हो सके आप यूट्यूब में सक्सेसफुल बन गया, अच्छा खासा पैसा भी अर्न करने लग गया, तो सिर्फ एक ही सक्सेस आपको मिला। लेकिन आप अगर ब्रॉड माइंड का हो, मान लो यूट्यूब के साथ साथ उसका रिलेटेड जो चीजें वेबसाइट ब्लॉगर वीडियो एडिटिंग फिर आपको फोटोशॉप चलाना ए टू जेड आप अगर साथ साथ सीख लेते तो यूट्यूब में भी तो आपको काम पे आ जाएगा, फिर दूसरा काम पे भी आपको हेल्प होगा। तो मतलब ब्रॉड माइंड मतलब है आप सबको सीखते हो जाना, और दूसरा बात है अगर आप लोअर माइंड का है तो एक ही चीज में फोकस करना। अभी बात आते फ्रेंड इसके ऊपर एक्शन लेने का, आप पूरा के पूरा रिसर्च करने के बाद जो सामने आते जब आप कैसे एक्शन ले सकते वो तो आप सीख ही गए, पहले तो इसके ऊपर रिसर्च किया, ये जो करना चाहते वो उसके बारे में जाना वो सीखा, उसका बाद में फिर आपको जो करना पड़ेगा अभी तो उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। कोई भी काम अगर करोगे तो उसके ऊपर एक्शन में चालू कर देना, जब आप उसके बारे में जान जाओगे तो एक्शन लेना भी बहुत ही आसान होगा। तो फ्रेंड एक्शन लेने से ही हर आदमी सक्सेसफुल नहीं बन जाते, एक्शन लेने का बाद भी आपको जो करना पड़ेगा, एक्शन लेने का बाद भी आपको ऐसा होगा कभी चढ़ाव उतार तो फ्रेंड होते रहते हैं, तो आपको भी कुछ ऐसे ही मिलते जाएगा कोई भी चीज में, शायद जिंदगी में हो फिर आपको बिजनेस में हो। तो फ्रेंड इस बार आपको करना पड़ेगा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आप अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो कोई भी चीज में आपको तुरंत कुछ नहीं मिलने वाला है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप पेशेंस रखोगे फिर एक्शन लेने का बाद जो करते जाओगे उससे सीखते भी जाओगे तो आपको एक पेशेंट हो जाएगा, उसके ऊपर आप डिफरेंट कर पाओगे, कोई भी बिजनेस हो कोई भी रिलेशन हो फिर कोई भी पोजीशन हो उसके ऊपर आप डिफेंड कर पाओगे, थोड़ा बहुत गेन करोगे उसके ऊपर आप खड़ा हो पाओगे। तो इसके लिए आपको पेशेंट रखना सबसे जरूरी है। और आखिरी जो तारीख आते फ्रेंड दोस्ता के साथ कंप्लीट करना, जैसे अब अगर बिजनेस में है वही एक ही जैसे बिजनेस अगर कोई कर रहे तो उसको साथ कंप्लीट करना, पहले पहले जो पेशेंस लेने का पहले अगर आप कंप्लीट करने जाओगे दोस्तों को तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका कई साल का एक्सपीरियंस है और आप पूरा नया हो सकते हैं आपका उससे भी ज्यादा ज्ञान है, लेकिन फ्रेंड एक्सपीरियंस ऐसा एक चीज है जो पैसे से नहीं खरीदा जाते, कोई किताब में नहीं मिलते, वो आपको करते करते फिर मिलेगा। तो फ्रेंड आखिरी में जो टिप्स आपको बताया लास्ट में आप दोस्ता को कंप्लीट करने जब लग जाओगे तो उससे भी मैं जो टिप्स बताया पहले से लेकर आखिरी तक ये अगर टिप्स पूरा फॉलो करोगे तो उससे भी कई गुना जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको जो बताना चाहा वो यही है, सक्सेस फ्रेंड बड़ा कोई बात नहीं है, सक्सेस तो मिलेगा ही लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल्स कुछ टिप्स फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल्स के बारे में आप अगर हमेशा याद रखोगे तो कोई भी बिजनेस में हो कोई भी पोजीशन में हो फिर कोई भी रिलेशन में हो फिर पूरा लाइफ का बात ही ले लो आपको सक्सेस 100% मिलने वाला है। तो फ्रेंड जरूर अप्लाई करना आपका लाइफ में आपका बिजनेस में, तो कैसे आपको अभी रिजल्ट आ रहा है वो भी मेरे को जरूर कमेंट्स में बताना। तो आपका कमेंट्स का इंतजार करूंगा मैं, तो मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।